कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमूना कह डाला। जी हाँ, राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में अपने बयान में कहा कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें लगता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं और वो भगवान के पास बैठकर ये भी बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ वैसा ही नमूना है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को फेक गांधी कह दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, नहीं मिस्टर फेक गांधी, भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, आपकी तरह नहीं जो विदेशी धरती का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के लिए करते हैं। भारतीयों को अपने इतिहास पर काफी गर्व है, तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज राहुल पर जमकर हमला बोला। रविशंकर ने कहा कि राहुल नफरत का बाजार फैलाना बंद करिए। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के विकास के खिलाफ हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी का इन शब्दों को इस्तेमाल करना क्या सही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।